ऑल राइट, रोल कैमरा एक्शन। तो गाइस यार सच बात बोलूं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल ट्राई करते हैं, अपने जो आसपास की हवा है ना इसे ही ठंडा कर डालते हैं। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं लिक्विड ऑक्सीजन, वो भी घर पे ही बेहद ही आसान तरीके से। और गाइस यार जो लिक्विड ऑक्सीजन है ना वो मेरी दूसरी सबसे पसंदीदा गैस है। पहले तो आपको बताइए कि पहली फेवरेट गैस तो है लिक्विड नाइट्रोजन, लेकिन दूसरी है लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि गाइस लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ही कमाल की गैस है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है रॉकेट्स के अंदर किया जाता है, और वो जो रॉकेट्स हैं वो सीधा ही जाते हैं चांद पे, मंगल ग्रह पे, पता नहीं कहाँ कहाँ। और एक और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये देखने में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन है ना, इसे अगर अपन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दे तो उसका जो कलर है वो होता है ब्लू कलर का, जो कि सच में बेहद खूबसूरत होता है। और साथ ही साथ फिर वो जो चीज़ है ना वो मैग्नेटिक हो जाती है, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन एक तरीके से मैग्नेटिक होती है। ये पहली ऐसी गैस है जो कि मैग्नेट पास में लाने पर रिएक्ट करती है। और सबसे पसंदीदा मेरा जो कारण है वो है ये कि ये फ्लेमेबल ना होते हुए भी काफ़ी धमाल कमाल और धमाकेदार होती है, क्योंकि बिना इस गैस के कोई भी एक्सप्लोजन, कोई भी आग जल पाना या फिर कोई भी धमाका होना पॉसिबल नहीं है। वहीं पर अगर अपन हम नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें तो वो जो धमाका है वो भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, 10 गुना ज़्यादा धमाकेदार बन जाता है। तो चलो यार बिना किसी देरी के बनाते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। और एक और बात बता दूँ कि ये सच में बहुत ठंडी होती है, करीब करीब -185 सेल्सियस तक, तो सच में ठंडा ठंडा होने वाला आज तो। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाइस यार लिक्विड ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके के एक कॉपर के पाइप की। फिर हम क्या करेंगे, इस कॉपर के पाइप को एक कुंडली का शेप देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देखो। राइट गाइज, और ये बन गई हमारे कॉपर के पाइप की कुंडली। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्टायरोफोम के डिब्बे की, ऑक्सीजन की, और मेरी पहली सबसे फेवरेट गैस लिक्विड नाइट्रोजन की। तो गाइज यार देखो, सिंपल सी बात है, जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये ठंडी होती है करीब करीब -190 डिग्री सेल्सियस तक, इसीलिए ये मेरी पहली फेवरेट गैस है। और जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो ठंडी होती है करीब करीब -185 डिग्री सेल्सियस तक, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस गैस की मदद से हम इस गैस को लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडी होती है और ये थोड़ी सी कम ठंडी होती है। तो गाइज आइडिया काफ़ी सिंपल है, हम क्या करते हैं इस कॉपर की कुंडली को रख देते हैं इस स्टायरोफोम के कप के अंदर कुछ इस तरीके से, और इधर हमारे पास है प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई। ये वही ऑक्सीजन टैंक है जिसका के इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र के अंदर पेशेंट्स को ऑक्सीजन देने के लिए किया जाता है। तो इस वाली नली को लगा देते हैं इस तरफ में कुछ इस तरीके से, और गाइस इस कप को भर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन से। इसके अंदर हम थोड़ी सी लिक्विड नाइट्रोजन और डालते हैं, क्योंकि हमें इस स्टायरोफोम के डिब्बे को पूरा भरना होगा ताकि ये जो कॉपर की कुंडली है ये पूरी तरीके से लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डूब जाए। फिर हम क्या करेंगे, इधर से ऑक्सीजन का फ्लो स्टार्ट करेंगे, इधर से ऑक्सीजन निकलेगी इस कुंडली के अंदर आएगी, और लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से कुंडली के अंदर ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म के अंदर। फिर हम उसी लिक्विड ऑक्सीजन को इस वाले मुँह से कलेक्ट करेंगे। अब धीरे धीरे ऑक्सीजन का फ्लो ऑन करते हैं, धीरे 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 धीरे, अबे धीरे ओबे। ऑलराइट गाइस, तो यार इतनी जल्दी जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो बनना आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है। देखो इधर से देखो, धीरे धीरे धीरे, आने दे, देखो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से किस तरीके से जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो बाहर आ रही है। देखो देखो किस तरीके से, देखो ये है लिक्विड ऑक्सीजन, इसे कलेक्ट करते हैं। देखो ये देखो, ये भर गया, थोड़ा सा और भरने देते हैं, बंद कर। ये ऑलराइट गाइस, तो यार ये है हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन का भरा हुआ कप। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर है और कितनी खूबसूरत है, देखो देखो
है ना यार, काफ़ी मस्त चीज़। वाह, इसे किसी कांच की ग्लास के अंदर डाल के देखते हैं ना, इसके अंदर डाल के देखते हैं ताकि हम क्लियरली इसे देख पाए। वो तो गाइस देखो, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है लिक्विड ऑक्सीजन, है ना यार काफ़ी कमाल। गाइस ये भी है ना लिक्विड नाइट्रोजन की तरह ही बॉयल होती है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होती है, जबकि ये -185 डिग्री सेल्सियस पर। और भाई गाइस, तो चलो अब इसी लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। राइट, और डालते हैं। ओह ओह ओह, और नहीं गाइस, तो देखा आपने लिक्विड ऑक्सीजन का कमाल, ग्लास की ही बारह बज गई। ओबे कितनी कमाल की बात है ना यार, इधर आग जल रही है और इधर जो है लिक्विड ऑक्सीजन है काफी ठंडी, मतलब ठंडा ठंडा कूल कूल और गर्मा गर्म दोनों चीजें एक साथ। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चला थोड़ी सी लिक्विड ऑक्सीजन, एक एक लिक्विड ऑक्सीजन की घूट हो जाए। यकीन नहीं हो रहा कि यार हमारा सिंपल सा जुगाड़ इतना अच्छे से काम कर रहा है, वो कितनी जल्दी हमारा जो लिक्विड ऑक्सीजन का कप है वो भर रहा है देखो, और लिक्विड ऑक्सीजन कितनी तेज रफ्तार से आ रही है देखो। धीरे धीरे धीरे, थोड़ा धीरे चला यार, और थोड़ा सा अंधे अंधे बढ़ने दे, बस बंद कर। राइट गाइस, तो यार एक एक जाम हो जाए लिक्विड ऑक्सीजन का। वो मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे भूल से भी ऐसी गलती मत कर लेना, बताया ना मैंने कितनी ठंडी है।